अस्सलाम वालेकुम, स्वागत करते हैं, वेलकम आप सब लोगों को हमारे चैनल अफॉनिक्स में। करते हैं सब बड़े होंगे, खुश होंगे, चिमड़े भी होंगे। मैं डॉक्टर कुदरत और आप डॉक्टर रोड लेकर आए हैं। इंडिया तालिबान प्लेट सच अगेन पाकिस्तान क्राइड, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, वॉच करेंगे क्या हुआ है, फिर क्या सीन है। वॉच करने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो भी लाइक करें उसे जरूर क्या करें। अगर मैं सोशल सर फॉलो नहीं किया प्लीज फॉलो द इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट। ओके स्टार्ट। भारत ने बहुत बड़ा गेम खेल दिया है, सुनते जाइए। पाकिस्तान फारिग हो चुका, सुनते जाइए। और बहुत जल्द बिल्कुल ही साइड लाइन होने वाला है, सुनते जाइए। अफगान तालिबान ने $35 मिलियन की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया चाबहार पोर्ट पर, सुनते जाइए। देखिए मिस्टर जेपी सिंह हैं और जेपी सिंह साहब हैं जॉइंट सेक्रेटरी पाकिस्तान अफगानिस्तान और ईरान के, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के हैं भारत के। ये पहुँचते हैं अफगानिस्तान, वो तुम्हारा भाई है, सुनते जाइए। आपको बताते चले कि चाबहार पोर्ट वो पोर्ट है जिसका इंडिया और ईरान ने मिलकर जो है इसके ऊपर काम किया है, और आज जो है अफगान तालिबान इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए चाबहार पोर्ट को यूज करेंगे, सुनते जाइए। भारत ने $3 अरब से ज्यादा इन्वेस्टमेंट वहाँ पे करी है, सुनते जाइए। आज की तारीख में भारत क्या कर रहा है? भारत को सेंट्रल एशिया जाना होता है, कहीं भी जाना होता है अफगानिस्तान, भारत पाकिस्तान से थोड़ा ना जाता है, पाकिस्तान से बात करी थी। अमन की तरफ कदम बढ़ाना एक बेहतरीन अमल है जो कि खत्ते के लिए बहुत ही मुफीद साबित होगा, मगर ये नहीं हो सकता कि उन्होंने किसी भी पाकिस्तानी पोर्ट को यूज नहीं किया, सुनते जाइए। तालिबान अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें सिर्फ और सिर्फ इंडिया की जो है सपोर्ट चाहिए। जब भी कोई ऐसी खबर आती है उसको सुनता हूँ, देखता हूँ ना, तो दिल में ना बड़ा आनंद आता है, सुनते जाइए। चरम सुख की प्राप्ति हो जाती है, सुनते जाइए। और पाकिस्तानी को रोता हुआ देखने में तो ऐसा लगता है जैसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई है, सुनते जाइए। भैया ऐसा है कि यहाँ पे तुम्हारा लाहौर है, ये हमारा अमृतसर है, अमृतसर से सीधा लाहौर करो, फिर यहाँ से टक्क से ले जाएंगे यहाँ से और कब, सुनते जाइए। दूसरी जानिब अगर ईरान की बात करें तो ईरान भी पिछले महीने की अगर बात करें तो 2 अटैक इस वक्त पाकिस्तान पर कर चुका है, सुनते जाइए। ना हमारे अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर है, ना ही इंडिया के साथ और ना ही ईरान के साथ, सुनते जाइए। इन सूरत हाल में आखिर पाकिस्तान को अपने सर्वाइवल के लिए क्या करना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। इन लोगों ने भारत को ये बोला कि नहीं इसमें तो तुम्हें फायदा होगा, भारत ने बोला फायदा तो तुम्हें भी होगा, नहीं पाकिस्तान खामोश रहे और खामोशी से तिजारत है वो शुरू कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। हम नुकसान झेल लेंगे लेकिन भारत को नुकसान जरूर पहुंचाना है। नरेंद्र मोदी के खत के जवाब में ये बात क्लियरली बता दी, वाजे कर दी कि बेहतर ताल्लुकात के लिए मसला कश्मीर समेत तमाम अहम मसाइल का हल बहुत जरूरी है। ये पाकिस्तानियों का मसला है कश्मीर, कश्मीर की जब तक आईनी हैसियत को बहाल नहीं किया जाता कोई तिजारत नहीं होगी। करो तुम चुनचुने के साथ खेलो। तो मैं तो इस फिजा खलीफा से ये बोलना चाहूंगा, फिजा खलीफा कैसा लग रहा है आज? तुम तीनों तरफ से सैंडविच की तरफ पीछे जा रहे हो। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, शादी ही कहना बनता है, बहुत जबरदस्त। उस वक्त जब भारत ने रास्ता मांगा था तब तुमने क्या कहा था? मसला है कश्मीर पहले हल होगा फिर रास्ता देंगे। और नहीं तो क्या? अब भारत ने और अफगानिस्तान ने दोनों ने मिलकर पाकिस्तान की सुझा दी है। अल्लाह तौबा, ये वही पाकिस्तानी जब अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आई थी तो सबसे ज्यादा भंगड़े इन्होंने डाले थे। इतनी मिठाइयां ये ईद पे नहीं बांटते, इतनी मिठाइयां इन्होंने अपनी मस्जिदों में, मोहल्लों में, मार्केट में आके बांट दी थी। हमारे बिरादर आ गए, अभी हमें कश्मीर आजाद करा के देंगे, और आज वही अफगानी इनको ठोक रहे हैं। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हम अपना पोर्ट बना रहे हैं, भारत ने यहाँ पे तैयार कर दिया शानदार चाबहार, आगे इसके रेलवे पटरियां भी बिछा दी भारत ने। सुनते जाइए, पाकिस्तान इस वक्त कहाँ खड़ा है? पल्ले ना कोई ढेला, कर दी मेला मेला, अपने पांव पर खड़ा भी है या नहीं? नहीं, भारत को पाकिस्तान की आवश्यकता नहीं है, पाकिस्तान जाए भाड़ में, सुनते जाइए। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और यही पाकिस्तान जाए भाड़ में भारत दुनिया भर को बोल रहा है ये गेम है, सुनते जाइए। बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है। वाह मोदी जी वाह। बिलावल भुट्टो ने बड़ा दावा कर दिया, सदर बना था जरदारी, फिर सदर बनेगा जरदारी, द मस्त कलंदर जरदारी। पाकिस्तान के सदर बन चुके हैं आसिफ अली जरदारी। पीएम मोदी जी हाँ, भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की बात किए बगैर कैसे हमारा ये सेगमेंट कंप्लीट हो सकता है? आखिर क्यों? मोदी जी आप लोग हमारे दिल के बहुत करीब हैं। इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? पाकिस्तान के सीनियर पत्रकार है आरजू काजमी जी, इनका एक बालिया जुर्म सुनिया। जब आप पैसा दे देंगे तो आप तो हमारे पेट के करीब, कानों के करीब, आंखों के करीब, हर जगह पहुंच जाएंगे। असंभव, हम एकदम सुधरे में मिलेंगे। यहाँ से जितने भी आपको चाहिए ना, हाफिज सईद और मसूद अजहर और
ये वो जितने भी हमने यहाँ पे रखे हुए ना, हम सबके सबको पैक करके आपको पार्सल कर देंगे। अरे वाह जीजी, हमको तो पहले से पता है आप तो हो आतंकियों के पनेगार। आप पे रखिएगा, फिर आपने उन्हें जेल में रखना है या उनका कुछ भी करना है वो आप लोग जाने वो जाने, हमारा कोई लेना देना नहीं होगा। पाकिस्तानियों को पैसा दे दो और उनसे कुछ भी करवा लो भैया, कुछ भी, समझ रहे हो। मुझे समझ नहीं आ रही कि जो काम 2-3 बिलियन डॉलर से हो सकता है बहुत आसानी से, उसके लिए बार बार एयर स्ट्राइक और कभी क्या और कभी क्या, कभी जाके IMF को मना कर जाके जी पैसा मत दो, तो कभी हमें उल्टा सुल्टा बोलना, मतलब ये सारे काम करने के बजाय चीजें सीधे 3 बिलियन डॉलर हमारे मुंह पे मारिए। आप भी हैरान हो जाएंगे, आपको लगेगा ये तो कितने प्यारे लोग हैं। अच्छी शायद पाकिस्तान का भी भला हो जाएगा। नेवर। अब बाकी कंट्रीज से सीखकर हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। कब तक ये हम कटोरा लेके कभी IMF और कभी वर्ल्ड बैंक और कभी सऊदी अरब और कभी चाइना की तरफ जाते रहेंगे। चाइना से मुझे याद आया, बड़े चुपते हैं इनको चाइना का पाकिस्तान के साथ ताल्लुक। आप इस्लाम को, वो लोग कह रहे हैं कि इस्लाम को और चीनी बनाओ, उसको चाइनीज बना दो, चाइना का फ्लेवर हो, उसमें एक चाइना की खुशबू हो, चाइना की महक हो। पाकिस्तान जो सबसे बड़ा भिखारी है दुनिया का और चाइना का सबसे बड़ा भिखारी है, चाइना से सबसे ज्यादा लोन किसी ने पकड़ रखे हैं तो पाकिस्तान ने। शेर बाबू नोटू, ना बाप बड़ा ना भैया, नोटू नोटू बाबा नोटू। वो पाकिस्तान जो अपने आप को इस्लाम का किला बताता है, आलम इस्लाम का ठेकेदार बताता है, वो पाकिस्तान बिल्कुल चुप है क्योंकि पैसे चाहिए चाइना से। तो ये थी वीडियो जो के इंडिया एंड तालिबान ने फिर से लाइमलाइट में है, क्योंकि इन लोगों ने एक ऐसा फैसला, 2 दिन पहले वो आए हुए थे इंडिया के कुछ इंटरनल एक्सटर्नल मिनिस्टर्स आए हुए थे, कुछ तरह सीन था, एक फीमेल भी मेरे ख्याल से थी। तो उन्होंने जो है मतलब ये कहा है कि हम लोग जो है इसके बाद चबहार पोर्ट भी यूज करेंगे, और आप लोग भी यूज करो, आप लोग भी हमारे साथ यूज करो, हम भी इन्वेस्ट करेंगे, आप भी इन्वेस्ट करो, आपका भी फायदा हमारा भी फायदा, तो बहुत फायदा ही फायदा, फायदा ही फायदा। तो ये अच्छी बात है दोनों कंट्रीज के लिए। अगर सीन कुछ इस तरह है, इंसान से अब बुरे हालात जो है सब ज्यादा बुरे पाकिस्तान के हालात है, पाकिस्तान ने खुद अपने आप पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। पाकिस्तान को जिस तरह उन्होंने कह रहे थे कि इंडिया ने कहा भी था कि हम लोग जो अमृतसर के थ्रू लाहौर के थ्रू जो है अफगानिस्तान की तरफ जाएंगे, लेकिन लोग मान नहीं रहे थे। सेंट्रल एशिया में इंडिया वाले जब 2021-22 में सब कुछ हुआ था, वो यही रास्ता मांग रहे थे कि लाहौर से फिर जाएंगे काबुल। दूसरी बात ये भी था, बुरी हालात तब से शुरू है 19 में, जब मैं पहले भी वीडियो में काफी वीडियोस मैंने बोला हुआ है, और इमरान खान ने जब ट्रेड बंद किया हुआ था इंडिया के साथ, तब से ही सब्जियां वगैरह सब कुछ जो है महंगा हो गया है। ट्रेड बंद किया हुआ था, उन्होंने जब ट्रेड बंद, तब से बुरे हालात चल रहे हैं, तो खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, तो ये सब तो होगा ही। बाकी इंडिया और तालिबान जो है अभी साथ चल रहा है, देखते हैं आगे क्या होगा, कभी और क्या एग्रीमेंट करेंगे तो वक्त बताएगा। तो अगर वीडियो पसंद आए प्लीज वॉच नंबर 1 लेक्चर्स, साथ में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए, तो पता चलेगा सपोर्ट मिल रहा है। सो अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।